स्वागत है। तो आज हम स्पीड टेस्ट करेंगे एयरटेल 4G की और जियो 4G की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग एक्टिव है मेरी। हम यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं पिक्सल का। तो यहाँ पे हम एयरटेल 4G से कनेक्टेड है। एयरटेल 4G का जो है 2300 MHz का बैंड यहाँ पे वर्क कर रहा है। आपको थोड़ा देर में आपको दिखा देंगे कि कौन से बैंड पर यह काम कर रहा है। तो स्पीड काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये दिन का टाइम है। टाइम आप देख सकते हो 3:20 हो रहा है। इस टाइम काफ़ी क्राउड एरिया रहता है, वो भी आज संडे का दिन है, तो स्पीड इतनी अच्छी मिलनी नहीं चाहिए। फिर भी एयरटेल से हमें स्पीड में कोई दिक्कत कभी नहीं होती। मिनिमम 10 MB की स्पीड हमें आराम से मिल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें कभी भी मोबाइल इंटरनेट में। अब वो दिक्कत ये भी हो सकती है एडवांटेज की, जो मोबाइल का हमारे मॉडेम है वो Category 9 का है, इसलिए थोड़ा एडवांटेज हमें मिलती है। तो चलिए किसी और सर्वर से चेक कर लेते हैं कि स्पीड थोड़ी बेहतर मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एयरटेल ने बाय डिफ़ॉल्ट लखनऊ का सर्वर किसी का यूज़ किया था। तो हम भारतीय एयरटेल का अगर न्यू दिल्ली का सर्वर यूज़ करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ BI इंडिया का यूज़ करेंगे, वोडाफोन आइडिया इंडिया का सर्वर। फिर देखेंगे जियो कितनी स्पीड, एयरटेल कितनी स्पीड देता है। तो ये डुअल सिम फ़ोन है, एक सिम जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिम है और दूसरा सिम जो है इसका फिजिकल सिम है। तो एयरटेल जो है हमारा फिजिकल सिम के अंदर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एरर लिख के आ रहा है, चलिए दोबारा शुरू करते। तो कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, लगता है सर्वर साइड से कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई दूसरे सर्वर से सिलेक्ट करते हैं, BI से कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो टचनो से करते हैं, दोबारा से किया हमने, तो टचनो से कनेक्ट हो गया। शायद BI के अंदर कोई दिक्कत थी। तो स्पीड यहाँ पे वही सेम टू सेम लगभग 6-7 तक जा रही है, 9 चौ गई, 9 तक गई। तो यहाँ पर स्पीड देख रहे हैं काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, जबकि यहाँ पर सिग्नल जो है पूरा पूरा फुल है। आगे बढ़ाते हैं, तो लास्ट में हम वीडियो के आपको दिखाएंगे कौन सा बैंड यूज़ करता है एयरटेल का और हम कैरियर एग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि नहीं। हालांकि मेरा मोबाइल जो है कैरियर एग्रेशन 3 तक का सपोर्ट करता है, और हमने जियो का एक दो जगह पर कैरियर एग्रेशन देखा हुआ था, जहाँ पर 3 बैंड कम्बाइन करके आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 7/56 और 11/5 हमें जो मैक्सिमम एयरटेल की डाउनलोड स्पीड मिली है रात के टाइम, वो 33 MB तक की स्पीड मिली हुई है हमें। तो हिस्ट्री में आपको अगर हम दिखा देते हैं रिजल्ट में, तो ये सारे मोबाइल डाटा की स्पीड मिली है। जो ज़्यादा स्पीड हमें यहाँ पे मिली थी, ये हमें LTE की स्पीड मिली थी, 32.9 MBPS की स्पीड हमें मिली हुई थी रात के अंदर। और ये रिलायंस जियो का सर्वर था, मतलब इंटरनेट था। तो ये देखिए स्पीड हमें काफ़ी सारी स्पीड टेस्ट किया। चलिए अब बात करते हैं जियो की। तो यहाँ से एयरटेल से हम जाते हैं आराम से। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिम वाले डुअल सिम फ़ोन होते हैं, जैसे कि आईफोन या पिक्सल, में उसमें सिम जो है चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एयरटेल से कनेक्टेड है, तो हम जियो पर जाते हैं, वहाँ पर मोबाइल डाटा क्लिक कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सिम 1 से सिम 2 पर स्विच हो जाएगा। तो अब एयरटेल से के बजाय अब जियो से चलने लगा हमारा नेट। तो यहाँ पर टेक्नो कम्युनिकेट का करें, रिलायंस जियो यहाँ लेकर आ गया। चलिए रिलायंस जियो की स्पीड देख लेते हैं कितना आ रही है यहाँ पर। तो रिलायंस जियो की स्पीड जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही है, 1 MB की स्पीड भी रिलायंस जियो यहाँ पर मुश्किल से निकाल पा रहा है। हालांकि ब्राउजिंग करते वक्त इतनी दिक्कत नहीं होती, वेब पेज आसानी से फटाफट खुल जाते हैं, पर यहाँ स्पीड टेस्ट में स्पीड काफ़ी, हालांकि जियो की जो अपलोड स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है। हमेशा जियो की अपलोड स्पीड बहुत ही बेहतरीन आती है, आप देख सकते हैं 8 से 9 MBPS तो मिनिमम रहती है। और कभी कभी सूरत में आपको, किसी भी सूरत में आपको 5 के नीचे ही अपलोड स्पीड जियो की नहीं मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा वीडियो वीडियो अपलोड करते हैं जियो के, तो आप जियो का इंटरनेट ले सकते हैं। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, एयरटेल का आप चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वीडियो अपलोडिंग के लिए आप जियो का। अब जियो का ही हम खुद के सर्वर को लखनऊ वाले सर्वर से चेक करेंगे। अब एयरटेल ने अपना लखनऊ में सर्वर नहीं लगाया, जियो ने लगा दिया, वोडाफोन ने लगा दिया, पर एयरटेल का अभी लखनऊ में सर्वर नहीं है, इसलिए हमें दूसरे कंपनी सर्वर यूज़ करना पड़ता है। जियो के अपने सर्वर पे भी वही 1.5-2 MB स्पीड आ रही है, 2 MB भी मुश्किल से पहुंच रही है बहुत ही मेहनत करने के बाद। पर अपलोड स्पीड हमेशा अच्छी होगी, पुराने वाले से बेहतर होगी। पिंग रेट भी अच्छी है, 44 ms का पिंग रेट दे रहा है। अपलोड जैसे हमने बोला था पुराने वाले से भी ज़्यादा अच्छा, 8 MB तक गई थी, पर डाउन होकर 5 के ऊपर आ गई, 4:30 आ गई, 4:30 वही लगभग 4:11 तक आ रही है अपलोड स्पीड। तो ये एयरटेल और जियो का है। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारा फ़ोन कौन सा बैंड यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत गजब का एप्लीकेशन होता है, नेटवर्क मास्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सिम आ गए हमारे, यहाँ पर जियो ही दिखा रहा है क्योंकि जियो से इंटरनेट चला, तो एयरटेल का भी आ गया थोड़ा देर। तो एयरटेल यहाँ पर जो है हमारा 1800 MHz को यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर जियो हमारा जो है
2300 MHz, दोनों सिम जो है हमारे कैरियर ग्रेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इनको यूज करते तो स्पीड थोड़ी और बेहतर मिलती है। अगर हम मैप में आते हैं तो ये थोड़ा स्कैन करेगा और बता देगा कि हमारा रिजल्ट में जो हमें जो लोकेशन मिल रही है टावर का, वो हमें कहाँ से मिल रही है। हालांकि यहाँ ऊपर थोड़ा सा एड्रेस वाली दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए जियो के 2 टावर लगे हुए, एयरटेल का 1 टावर है, तो इधर वाला टावर जो है एयरटेल का है, ये थोड़ा देर में बताता है। तो यहाँ पर जो लोकेशन होती है एक्यूरेट नहीं बताता है, काफ़ी दूर बताता है। तो ये देखिए हमारा दोनों 4G टावर जिनसे हमारा कनेक्शन कनेक्टेड है, ये ऊपर वाला है जो जियो का है, और ये जो ये वाला जियो का है, और इधर वाला एयरटेल का है। तो ये इस तरह से आप स्पीड टेस्ट अपना आसानी से कर सकते हैं। हालांकि एयरटेल की स्पीड जो है बेहतर मिलती है हमें हर जगह पे, पर जियो की हमें अपलोड मिलती है तो एयरटेल की डाउनलोड मिलती है, इसलिए हम दोनों सिम यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है हम एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे हमें कोई वीडियो अपलोड करना होता तो हम जियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जियो की अपलोड स्पीड ज़्यादा बेहतर मिलती है और हमेशा मिलती है। गाँव साइड जाएंगे तो आपको जियो की डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों ही बेहतर मिलेगी, पर जियो में फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका नेटवर्क है जो स्टेबल नहीं रहता हमेशा हर जगह पे। एयरटेल के साथ आसानी होता है, एयरटेल की हर जगह कॉल आएगी आपको आसानी से, क्योंकि उसके पास 2G नेटवर्क का भी सपोर्ट है जबकि जियो के पास नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए। आपका दिन शुभ हो।